अर्जुनी मुर्गा पुलिस ने बिजली तार चोरी के मामले में 6 आरोपियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 14,95,000 रुपए के माल के साथ 3 वाहनों को जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच अर्जुनी मुर्गा तहसील के डोंगर गाँव से गुसोबा टोला तक 19 खम्भों से 60,000 रुपए कीमत का 3,420 मीटर बिजली तार व डोंगर गाँव अर्जुनी नवे गाँव बांध तक 16 खम्भों से 50,000 रुपए कीमत का 2,880 मीटर तार, ऐसे कुल 1,10,000 रुपए का तार अज्ञात व्यक्तियों ने चुरा लिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसी बीच 21 से 24 मई 2024 के बीच ग्राम सोमलपुर से गुडरी के 23 खम्भों से 60,000 रुपए कीमत का 2700 मीटर तार अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। पुलिस निरीक्षक कमलेश सोनटके के निर्देश पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच जानकारी के आधार पर साकोली निवासी आरोपी सचिन कठनकर, नीलज निवासी तुषार लांजेवार आमगांव निवासी, परवेज अगवान पलस गांव सोनका निवासी, दीप रत्न उके सानगढ़ी निवासी, निखिल मडावी सौंदर निवासी, आनंद राव निर्वाण को हिरासत में लिया गया। उनकी गहनता से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। चोरी का सारा माल आरोपियों ने भंडारा में एक कबाड़ी दुकानदार को बेच दिया था। आरोपियों के पास से 1,70,000 रुपए की एल्यूमिनियम प्लेट्स और वाहन क्रमांक MH48A2743, MH34, MH35, AJ2303, ऐसे कुल 14,95,000 रुपए का माल जब्त किया गया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8 6 6 9 1 5 1 7 5 7 पर।